नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो है बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया की। वीडियो पे चलने से पहले एक बारी विश हो जाए, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और उसके बाद न्यू ईयर भी है। तो मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। 2020 सबका ही एक तरीके से डिस्टर्ब्ड गया है, क्योंकि लॉकडाउन, क्वारंटाइन, इतनी सारी चीज़ें, उसके बाद काम में भी सफरेंस। तो 2020 को अगर हम देखा जाए तो थोड़ा ऐसा गया। आशा करता हूँ 2021 आपके लिए बहुत बेहतर हो। इतनी चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो करिए, जो आपको चीज़ मिलनी है वो मिले, और अपनी प्रोग्रेस करते रहिए और आगे सफल होते रहिए। तो 2021 आपके लिए शुभ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होगा भी। सो ये है बेसिकली वीडियो ओलिगोस्पर्मिया के बारे में बताने जा रहा था। तो ओलिगोस्पर्मिया पहले समझ लेते हैं। अगर आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट अगर आप चेक करोगे तो उसमें 3-4 कैटेगरीज होती हैं, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, और उसके बाद आती है आपकी स्पर्म काउंट। अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है, आपकी मोटिलिटी ऐसा सच नहीं है जिसकी वजह से आपको कंसीव होए, मतलब कि 50% से कम जा रही है, या फिर आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, मॉर्फोलॉजी माने कि आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सारी कैटेगरी को ओलिगोस्पर्मिया में रखते थे। ओलिगोस्पर्मिया को एज एन आयुर्वेद में ठीक करना बहुत ईजी पार्ट है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम और दूसरी पैथीज में जाएं। वो इसलिए इजी पार्ट है क्योंकि हम विद इन 15 डेज या विद इन मंथ में आपको रिजल्ट मिल जाता है। आपको एज इन अपनी दूसरी एनालिसिस, मतलब अगर आप महीने से पहले अगर सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कराते हैं, उसके बाद आफ्टर सीमेन एनालिसिस ट्रीटमेंट के बाद चेक करवाते हैं, तो दोनों में आपको फ़र्क दिख जाता है, रिजल्ट दिख जाती है। ओलिगोस्पर्मिया इसलिए भी इजी पार्ट है क्योंकि आपकी बॉडी पहले से ही एक स्पर्म काउंट जो बनाता है, या जो स्पर्म बनाता है, स्पर्मेटोजोआ जो बनाता है, वो प्रोसेस चल रहा है जिसको हम कहते थे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आपके ऑलरेडी बॉडी में चल रहा है, स्टार्ट है, तो उसको एनहेंस करना एज एन ईजी पार्ट है। अगर वो रुक गया है, मैचोरेशन अरेस्ट है या कोई और चीज़ है, तो वहाँ पर एज एन टफ पार्ट बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो बॉडी का पार्ट चलाना एज एन डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं और अगर आपने 3-3 महीने के अपने कोर्स चला रखे हैं 90-90 डेज़ के, और आपको तब भी उसमें सिर्फ 2 या 4 मिलियन का फ़र्क दिखता है, या कमी दिखता है, या दिखता ही नहीं है, तो वहाँ पर शायद आपको एक बारी ना एक बारी आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, बट एक बारी आप आयुर्वेद की तरफ जाइए। वो इसलिए जाइए क्योंकि आपको चेंजेस पता चल जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बेसिकली आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को तो एनहेंस करता ही है, साथ में वो आपके अंदर के फिजिकल, जो बेसिकली कहेंगे कि आपकी अगर बॉडी किसी चीज़ की दिक्कत में है, माने कि अगर मान के चलिए कि आपकी बॉडी में खाने की एब्जॉर्प्शन या आपकी बॉडी में एसिमिलेशन फूड की वो कम हो रही है या वो कम दिखाई दे रही है, उस पर भी वर्क करता है। अगर मैं बोलूं कि अगर आपकी बॉडी में सारी चीज़ें जा रही हैं, A to Z सारे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, आपको सारे चीज़ें अगर गैदर, अगर आप एग खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, या फिर आप वेगन भी हैं, और या फिर आप पानी भी प्रॉपर पी रहे हैं, खाना भी प्रॉपर खा रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं आ रही, एज एन लीवर डिसऑर्डर, एज एन बाउल सिस्टम, IBS की दिक्कत कोई नहीं है, साथ में कोलाइटिस की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको शायद ये दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए ओलिगोस्पर्मिया की, क्योंकि आपकी बॉडी इतना स्ट्रक्चर उसको बना रही है, इतना स्पर्म काउंट बना रही है। तो अगर आपके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है, जॉइंट डिस्क की, TB की, या कोई सी भी ऐसी हिस्ट्री रही है, या कैंसर के पेशेंट रहे हैं, कीमो करवा चुके हैं, तो वहाँ पर वो जाहिर सी बात है वो कम होगी होगी, क्योंकि आपने हैवी डोज के एंटीबायोटिक पहले से इतने ले रखे हैं। लीवर में लीवर की फंक्शनिंग वीक होने की वजह से वो इतनी एसिमिलेशन नहीं दे पाता आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। तो अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, या किसी बीमारी से सफ़र कर चुके हैं, तो क्या पता वही कारण हो आपके ओलिगोस्पर्मिया के लिए। तो अगर आप कीमो करवा चुके हैं, या फिर आपने TB के एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं, या एनी अदर चीज़ आप करवा चुके हैं, तो आपको ओलिगोस्पर्मिया मिल जाएगा या मिल सकता है। अब अगर आप TB के पेशेंट हैं, आपको क्यों स्पर्म काउंट कम हुआ, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण है कि आपने हैवी डोज में एंटीबायोटिक्स खाई हैं। एंटीबायोटिक्स का एक जैसे कहते हैं कि हमारी एंटीबायोटिक्स जब बॉडी में जाते हैं तो हमारे बैक्टीरिया भी मारते हैं और हमारे स्पर्म काउंट को भी कम करते हैं। ये एक स्टडी है जो सब साइंस, सब मेडिकल स्टूडेंट्स वाले जानते हैं कि वो थोड़ा बहुत स्पर्म काउंट आपके कम करते हैं। और इसके साइड बाय साइड अगर आपने कीमो करा रखी है, कीमो के पेशेंट खुद ही समझ पाते हैं कि उनको कितनी दिक्कत से निकलना पड़ रहा है उससे। तो अगर कीमो से निकल चुके हैं, कैंसर के बाद क्योर हो चुके हैं और कीमो करवा चुके हैं, उसके बाद आपके बॉडी में एज सच
फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहती जैसे पहले थी. एज सच आपकी बॉडी में अगर मैं बोलूँ तो वो चीज़ बात नहीं रहेगी जो पहले थी. तो इसी वजह से आपके शरीर का जो बेसिक प्रॉब्लम थी कि ओलिगोस्पर्मिया क्रिएट होना, चाहे 1 मिलियन आ रहे हो, चाहे 0.5 मिलियन या 10,000 मिलियन, तो अगर वैसी रिपोर्ट आ रही है तो इट मीन्स कि आपको आयुर्वेद की तरफ जाने की नीड है. और इसके साथ साथ अब मैं IBS की हमेशा अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ, कोलाइटिस की हर वीडियो में बात करता हूँ. उसका पीछे का रीज़न यही होता है कि अगर आपकी बॉडी में आपके फूड का एसिमिलेशन नहीं है, आप नॉनवेज खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन है, आपको वाइटामिन B12 मिलना चाहिए, वाइटामिन डी मिलना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है. बट वो चीज़ आपकी बॉडी में मिल नहीं रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपकी बॉडी एसिमिलेशन नहीं कर पा रही उस बॉडी जो आप खा रहे हैं, उसके तत्व आपके शरीर में नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से आप ओलिगोस्पर्मिया में क्रिएट बन जाते हैं या ओलिगोस्पर्मिया आपको हो जाता है. और उसके बाद कुछ हम देखते हैं पेशेंट्स को हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना. हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी एज सच नहीं है. आपका जो डे रूटे का रूटीन है वो बहुत ख़राब सा है. ज़्यादातर ये पुलिस में हम देखते हैं, पुलिस और आर्मी में के पेशेंट्स को देखते हैं कि उनको क्या दिक्कत हो गई ओलिगोस्पर्मिया में, क्योंकि वो तो बिल्कुल फिट हैं, उनकी एक्सरसाइज इतनी है, उनको हमेशा भागना दौड़ना है, फिजिकली फिट रहते हैं, फिर उनमें ये क्यों दिक्कत आ जाती है. पुलिस और आर्मी में हम ये ज़रूर देखते हैं कि उनकी कोई रूटीन नहीं होती. अगर मैं बोलूं कि कुछ पुलिस में जो आज की डेट में अगर पुलिस अगर कोई देख रहे हो, वो जानते होंगे अपनी ड्यूटी को, कि उनकी ड्यूटी बहुत टफ है. उनकी ड्यूटी इसलिए टफ है क्योंकि उनके आवर्स कोई काउंटेड नहीं होते. कभी उनकी 36 आवर्स की हो जाएगी, कभी 3 दिन ड्यूटी पे लगातार होना पड़ता है, कभी 1 दिन की छुट्टी मिलती है पूरे हफ्ते में, तो वो बॉडी रेस्ट मोड में नहीं आ पाती. आई मीन टू से अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो पुलिस वाले शायद 8 घंटे की नींद भी नहीं ले पाते हैं. और इसके साथ साथ अगर आर्मी में देखा जाए तो आर्मी में भी यही चीज़ है कि आर्मी में भी वो रेस्ट नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मार्चिंग उनकी इस तरीके से बिल्डअप कर देते हैं, उनकी बॉडी को इतने शरीर को इतना हैवी वर्कआउट करवा देते हैं कि उनको अपने हर एक अलार्म पे उठना पड़ जाता है. जहाँ पर हम कहें कि 6 घंटे या 8 घंटे की नींद नीड है, उनको वो नींद शायद प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उनकी बायोलॉजिकल अंदर से मैं बोलूँगा बायोलॉजिकल साइकिल्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, और उस चेंजेस की वजह से उनका इम्पैक्ट जो है अपनी बॉडी पर दिखता है एज इन लो स्पर्म काउंट के रूप में. तो अगर आप हैवी वर्क एज इन कर रहे हैं या आप IT सेक्टर में भी हैं, आप देर रात काम करते हैं, आपको देर रात आपको जागना पड़ता है और उसके बाद आपका स्लीप लेवल जो है वो मैच नहीं कर पाता है या आप स्लीप नहीं प्रॉपर कर पाते, तो शायद आप एक ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हो सकते हैं. तो अगर आपकी ऐसी कोई रूटीन है तो प्लीज़ उसको चेंज करें, क्योंकि पुलिस में हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आर्मी में जैसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने उस टाइम को चुराओ, निकालो, थोड़ी देर सोओ, फिर काम पे करो. और अगर आपके मन में कैसा भी डाउट हो ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड मिल जाता है आपको करने के लिए, या फिर आप नीचे वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे या मेरी टीम से बात करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा. थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच.